ये वीडियो क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए है। हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो आपका मानचित्र कार्य करने के लिए आता है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए आपके पेपर में कुछ इस तरह से मानचित्र कार्य लिखकर लास्ट में आएगा। दो क्वेश्चन आते हैं, पांच पांच नंबर के आते हैं और उनमें पांच पांच आपको भरना रहता है। एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन होते हैं। तो आपको देखिए पश्चिम बंगाल का उद्यान इस चिन्ह से दर्शाना है, उसको कॉपी में भी लिखना है। तो अगर आप लिखते हैं सही से तो आपको पूरा नंबर मिलता है। तो हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास और जूट उत्पादक क्षेत्र, कुछ आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए हमारा गन्ना उत्पादक क्षेत्र जो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है और गौड़ गन्ना उत्पादक राज्य जो हमारा है यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार है। और जो गौड़ गन्ना उत्पादक राज्य है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान। अब हम देखते हैं चाय उत्पादक क्षेत्र। तो जो हमारे प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल हैं। और जो गौड़ चाय उत्पादक राज्य हमारे हैं बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। अब देखते हैं कॉफ़ी और रबड़ उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हमारे हैं। तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल है। आपके एग्जाम में आएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है, दो पूछेगा प्रमुख दो, तो आपको इस प्रकार से लिखना। अभी हम बताएंगे मानचित्र में कैसे भरना है आपको। अब देखिए भारत के रेशेदार फलों उत्पादक क्षेत्र, तो हमारा पहला जो है जूट उत्पादक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश राज्य हमारे हैं। अब देखते हैं कपास उत्पादक क्षेत्र जो हमारे हैं पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय राज्य है। अब देखते हैं आपको मानचित्र में कैसे दर्शाना है। तो कुछ इस तरह से भारत का मानचित्र आपको मिलेगा देखने के लिए। अब देखिए पूछा गन्ना उत्पादक दो प्रमुख राज्य बताइए, तो आपको क्या करना है मानचित्र में इस तरह से संकेत में यहाँ पे संकेत ऊपर लिख देना है और यहाँ पे जीरो इस तरह से वहाँ पे चिन्ह दिया रहेगा कि इस चिन्ह द्वारा आपको गन्ना उत्पादक राज्य दर्शाना है। तो आपको इस तरह से गोला करना, आप दो प्रमुख पूछा है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात इस प्रकार से आपको गोला कर देना। महाराष्ट्र देखिए यहाँ पर दो पूछा लेकिन हमने तीन चार कर दिया है, तो आपको कुछ इस प्रकार से उत्तर प्रदेश यहाँ पर इस प्रकार से गोला कर देना है। अगर नहीं आता होगा तब भी आप इस तरह से उत्तर प्रदेश में कुछ भी गोला कर दीजिएगा, कहीं भी कर दीजिएगा, आपका माना जाएगा सही। अब देखते हैं चाय उत्पादक राज्य, तो कुछ इस प्रकार से डॉट चिन्ह से हमने चाय दर्शाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं पूरा मानचित्र भरा गया है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको संकेत डाल के इस तरह से चिन्ह को आपको दर्शा देना है। अब देखिए गन्ना हमारा था तो हमने गोले गोले से इस प्रकार से दर्शा दिया है। अब यहाँ पे देखिए चाय हमारा है तो चाय यहाँ पर इस प्रकार से देखिए यहाँ पर चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारा असम में बना हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार से हमने दर्शा दिया है। अब देखिए हमारा काफ़ी और रबड़ को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाए हैं, यहाँ पर देखिए देख सकते हैं आप। अब हमारा देखिए कपास है, कुछ हमने डॉट डॉट से यहाँ पे दर्शाया हुआ है जो हमारा सब है डॉट से, एक काफ़ी उत्पादक राज्य है। अभी हमने आपको ऊपर नाम बता ही दिया है। अब देखते हैं हमारा देखिए यहाँ पे जूट उत्पादक जो राज्य हैं हमारे वो है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ये सब देखिए यहाँ पे हमने छोटे छोटे से यहाँ पे त्रिभुज आकार के दर्शा दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरा मानचित्र, यहाँ पे हमने गन्ना, चाय, कॉफ़ी और रबड़, कपास, जूट को कुछ इस प्रकार से अगर पेपर में आपके आते तो आपको ऐसे इस तरह से दर्शाने चिन्ह का प्रयोग करके। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में।